के काम में लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, मैं माखन चुराने अकेला थोड़ी गया था, मेरे करने वाले और भी थे, कोई खोलने आई रही पर कोई नहीं आया। भोले बाग के बिहारी लाल, इस लीला में भगवान श्री कृष्ण हम सबको बता रहे हैं, तुम भी किसी के कहने के ऊपर कभी उल्टा सीधा काम मत करना। जब तुम फंसोगे तुझे भी छुड़ाने कोई नहीं आएगा। जब मैं जो छुड़ाने नहीं आया तब तुझे कुछ छुड़वाना। इसलिए भक्तों याद रखना, कभी किसी के कहने के ऊपर उल्टा सीधा काम मत करना। दूसरों के कहने के ऊपर अपने घर को मत बिगाड़ना, क्योंकि घर बनाना बड़ा कठिन है, बिगाड़ना में दो घड़ी लगती है। भोले शंकर भगवान, घर की रहने दो, इसका कबाड़ा बड़ा कर। और भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, देखता हूँ ये पीपल मेरे से हिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने घुटनों के बल चल के पीपल को खींचना शुरू किया। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के बीच से निकल गए और पीपल फंस गया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिरे और दो पुरुष प्रकट हुए, नंद कुबेर और मणिमणि। ये कभी भगवान विष्णु के दरबारी थे। एक बार हुआ, ब्रह्मा के पुत्र सनकादि ऋषि भगवान विष्णु से मिलने को आए, लेकिन ये दोनों दरबारी वृक्ष की तरह दरवाजे के ऊपर खड़े रहे, ऋषियों को अंदर जाने नहीं दिया। ऋषियों को क्रोध आ गया और सनकादि ऋषियों ने नल कुबेर और मणिग्रीव को साफ दे दिया, तुम वृक्ष की तरह दरवाजे के ऊपर खड़े हो, जाओ तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन बन। जब संतों ने साफ दिया, नल कुबेर मणिग्रीव कहने लगे, ऋषियों हमें साफ तो दे दिया, लेकिन अब हमारा उद्धार कैसे होगा। नंद कुबेर मणिग्रीव की बात सुन के सनकादि ऋषि कहने लगे, हे नल कुबेर, हे मणिग्रीव, द्वैपर में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। आज मेरे प्रभु ने नंद कुबेर और मणिग्रीव का भी उद्धार कर दिया, बहाना किसका किया, चोरी का, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तुम मेरा हो जाए तो मैं तेरे लिए चोर बनने को भी तैयार हूँ। आज भक्तों को बचाने के लिए मेरे प्रभु ने चोरी भी की। भोले बाबा के बिहारी लाल की।